स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी, इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा से रोमांचकारी रहता है। सो ऑब्वियसली वी आर ऑन अ विनिंग साइड, सो इट फील्स गुड। बट एज ऑफ नाउ लाइक वी हैव बीन लाइक प्रिपेयर्ड, लाइक यू नो वी ट्रीट एवरी टीम विद द सेम इंटेंसिटी एंड वी गो आउट देयर एंड डू व्हाट वी कैन एंड दैट इज़ व्हाट वी स्टिक टू द प्लान, राइट। ऑब्वियसली जब भी अप फ्रंट फास्ट बॉलर अगर अच्छे बॉलिंग करते हैं, दैट मीन्स कि बैट्समैन स्पिनर के खिलाफ रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इट गिव्स अस मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक विकेट ऑल्सो। सो दैट डेफिनेटली वर्क्स इफ अगर अप फ्रंट पे अच्छी बॉलिंग की गई हो। मैं ऑनेस्टली देखा जाए तो जस्ट मैच से पहले एक दो ओवर डाल देता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, बट उतना बॉलिंग करता नहीं हूँ नेट में, क्योंकि मुझे लगता है अगर ज़्यादा बॉलर बनने की कोशिश करूँगा तो जो कुछ है वो छूट ना जाए, इसीलिए मैं लिमिट में रहता हूँ। यस, डेफिनेटली लाइक लास्ट मोर देन 6 months, यू नो आई हैव गॉट इंजर्ड 3 times विद द सेम हैमस्ट्रिंग, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग। सो आफ्टर द IPL अगेन आई गॉट इंजर्ड इन IPL, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ सर्जरी। So I feel after the surgery it has definitely helped me fitness wise, and obviously now I don't have that thing in my mind that I'll get injured again. And in last 4 months I have learned a lot about training and you know fitness, and it has definitely helped me and made me a different cricketer. That's what I feel. Previously every time when I got injured I did my rehab and I started playing. And when I started playing, I used to feel like now I'm fit and it won't come again. So I used to take my fitness and, you know, many times I used to skip my routine also. But since the third time, now I am, you know, regardless how I feel, every day I start my day with my training, either gym or running. So, and that gives me confidence that, you know, I'm getting stronger and fitter every day. And that definitely helps me on the field also. जी, जब वो ऐसे बैटिंग करने लगते तो हम लोग को एक बात ऑलमोस्ट तय हो जाती है कि आज बैटिंग करनी नहीं पड़ेगी, आज यही मैच ख़त्म करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा करते हैं। और उसके अलावा उनको बैटिंग करते हुए देखना हमेशा एक मतलब एक्साइटिंग मोमेंट रहता है, तो वी लव वॉचिंग हिम बैट एंड द शॉट्स ही प्ले। समटाइम्स इट लुक्स लाइक बहुत अनरियल रहता है कि ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे मार सकते हैं, बहुत आसानी से ऐसे लगता है कि अभी आँख खुली भी है कि नहीं उनकी पता नहीं, और पटक कर से ऐसा शॉट मार देते हैं कि जैसे 100 पे बैटिंग कर रहे हो। तो ही इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड क्रिकेटर एंड वी लव टू वॉच इट। दैट इज़ डेफिनेटली लाइक अगर वो खेलते हैं तो वो आउट तो होते नहीं है, तो वो खेलते रहते हैं तो हमें बैटिंग आती नहीं है। तो जो कपिल पाजी ने कहा है कि जब विराट नहीं रहते हैं टीम में तो बाकियों को थोड़ा मौका मिलता है, नॉट जस्ट बैटिंग वाइज बट ओवरऑल यू नो वी गेट मोर अपॉर्चुनिटी, बट ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर लाइक द बैकबोन ऑफ आवर टीम एंड कैप्टन, सो वी डेफिनेटली मिस हिम। बट लाइक ही सेड, यस इट्स मैनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर स्पेशली इन बैटिंग वेन यू नो बिकॉज सिंस द टाइम आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस टीम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव वन अ गेम बाय यू नो टॉप 3 में से 2 जन ने बड़े स्कोर किए हैं। तो हार्डली अगर मैंने अब तक 40-42 मैचेस खेले उसमें से 25 बार ही मुझे बैटिंग आई होगी, उसमें से 10-15 बॉल खेली, तो इट शोज़ कि हमारा टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रांग है। और जब वो खेलते हैं तो बहुत सीरीज़ में 5 मैच की सीरीज़ रहती है तो 2 या 3 बार ही बैटिंग आती है। तो आई फील पाजी, कपिल पाजी हैज सेट द राइट टीम। जी, पार्टनरशिप हर मैच में एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बट आवर एम इज़ लाइक यू नो जो भी पार्टनरशिप हो रही है उससे पैनिक ना हो और डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जो हमारा काम है अच्छे बॉल्स डालना, और अच्छे बॉल्स पे अगर वो रन बना रहे देन वी टेक इट, वी एक्सेप्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी कीप बोलिंग इन टू राइट एरियाज एंड मेक देम यू नो इन अ डिफिकल्ट फेज वेयर दे कैनॉट स्कोर ईजी रन। सो दैट्स वाई वी ट्राई एंड लुक एंड वी लाइक आई सेड वी ट्राई टू डू वट वी आर expected to do, which is bowling in the right area and you know keeping the pressure while fielders are there in the circle. So we stick to our process and then the results will take care. That's what we feel and it has been working for us. Yeah, at
at some extent it's right that you know yesterday when we were playing against Hong Kong, you know, there was a long partnerships up front. So we had the same plan, you know. Rohit was kept telling us whenever we came for drinks or you know made a huddle during the fielding that as long as we are not giving them runs on a loose ball, I'm happy, you know, happy with the way bowlers are bowling. So yesterday also we knew that you know we just need one wicket and then the next batsman will find it difficult against the quality of spin and fast bowling we have. So luckily when after 170 odd runs, you know, when we got that first wicket, we knew that we can, you know, squeeze the pressure in again and we can win the match. But we never felt at any point of stage that we are not in that game, and we always knew that just one wicket away from the start and we'll get the pressure on them and we can win that game.